अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लेस्टेशन 2 और प्लेस्टेशन 3 की गेम्स की फाइल पीसी में कैसे प्ले की जा सकती हैं और इनकी गेम्स कैसे पीसी में प्ले की जा सकती हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है इसका मैजिक ISO जी। और अभी मैं इसका आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, इसका मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा बकायदा। ये आप देख सकते हैं, ये सेटअप मैजिक ISO जी। ये मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इसका पूरा नाम है मैजिक ISO वर्जन 5.5 बुलेट 0281। इसको हम करते हैं नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब मेरे पास कुछ प्लेस्टेशन की गेम्स मौजूद हैं, जैसे कि ये मेरे पास गेम मौजूद है प्लेस्टेशन का। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये ISO फाइल में है, ठीक है। इसको जब हम इसमें ओपन करेंगे तो हम ओपन विद में जाएंगे, ओपन विद क्लिक करेंगे, उसके बाद चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम को हम क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैजिक ISO मेकर आ गया है। अगर नहीं आए तो आप ये तीर का निशान दबाएं, यहाँ पे आपको इसका ये सेटअप मिलेगा, ठीक है। यहाँ ब्राउज करके आप सी मैसेज को निकाल सकते हैं। ओके, अभी आप इसको क्लिक करके ऑलवेज यूज द सिलेक्टेड प्रोग्राम टू ओपन दिस काइंड ऑफ फाइल। ओके, आप इसको इस पे टिक करके ओके कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब ये इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं, बाय नाउ, रजिस्टर और ट्राई इट, ठीक है। हमने दबाना है ट्राई इट। ये इसने सब फाइल बूट कर ली। अब हम इसकी फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी इसी तरह सारी फाइल पकड़ के इसको उठा के यहाँ पीसी में इसी फोल्डर में हम इसको कर देंगे। वो आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी फोल्डर में चाहें उसमें रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फाइल जो है ये इसमें सारा डेटा इसमें आ चुका है, ठीक है। हम इसमें आप दबाएंगे ऑटो रन, ये इसका सेटअप खुल गया है दि थिंग का ऑटो रन। इसको हम करेंगे इंस्टॉल दि थिंग, इस पर क्लिक करेंगे। ये यस किया हमने, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट, सॉरी, दरअसल गेम पहले से इंस्टॉलेशन हुआ हुआ है, उसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। जी अब ये मैंने गेम डिलीट कर दिया, अब हम इसको दोबारा इंस्टॉलेशन करेंगे। ये मैंने इसको इंस्टॉल किया, यस किया, अब ये इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। इसको रीइंस्टॉल द इंस्टॉलेशन, वैसे तो ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गेम हमारे पास इंस्टॉलेशन था, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, नहीं तो आप सिर्फ नेक्स्ट कर सकते हैं।
ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलेशन हो रही है। जी ये फाइल्स अपडेट हो रही हैं, फाइल्स कॉपिंग हो रही हैं, इंस्टॉलेशन हो रही है। ये सारा सिस्टम इस ऑटो रन में है, मौजूद है, जो इसमें से ये प्रोग्राम निकला था। वैसे जो भी गेम्स हैं PS3 की, मेरा मतलब प्लेस्टेशन 1 या प्लेस्टेशन 2 की, उसको आप सब फाइल्स को इसी तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें हर चीज़ का सेटअप इसका बकायदा मौजूद होगा। अगर फिलहाल बहुत कम ही ऐसा होता है कि उसके अंदर कीज़ नहीं होती, क्रैक नहीं होते, तो वो आप आसानी से उसी के नाम से उसका क्रैक गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका सेटअप इंस्टॉलेशन हो गया। अब इंस्टॉल पेज 1.1, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। यस किया, ये इंस्टॉलेशन हो रही है। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने ये इंस्टॉल पेज 1.2 इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ये इंस्टॉलेशन हो गया। अब हम इसका इंस्टॉल नो सीडी पेज 1.2 इंस्टॉल करेंगे। यस किया, ओके किया, बीन, ओके किया, ओके किया। ये इसकी फाइल इंस्टॉलेशन हो गई है। अब ये प्ले ओरिजिनल ट्रेलर, यानी इस गेम का ट्रेलर ये प्ले करके दिखाते हैं आपको। ये गेम है। ये आप इसका ट्रेलर देख सकते हैं, इसका ट्रेलर आप देख सकते हैं। ये गेम है। जी ये गेम इंस्टॉलेशन हो गई है और आपने इसका ट्रेलर भी देख लिया है। ये इस नाम से, द थिंक नाम से इसका आइकन आ गया डेस्कटॉप पे और ये गेम प्ले हो चुकी है। ये गेम चल रहा है मेरे पास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, पर ये गेम आपको प्ले होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये एक पीसी गेम है और ये जो रिकॉर्डर है ये इसको डाउनलोड नहीं कर सकता। ये आप खुद ट्राई करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। जी तो कैसा लगा आपको ये सॉफ्टवेयर? हमारे वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो या कोई भी मसला हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0300 2104197, 0300 2104197, 0300 2104197। शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।